अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं जो सेंटर हाफ सीनियर प्लेयर और इश्तियाक अहमद साहब, जिन्होंने 1984 में जो है वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका हॉकी का आगाज़ कैसे हुआ। जी इश्तियाक साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो आपकी हॉकी जो है वो आपने सियालकोट से पॉलीटेक्निकल कॉलेज से स्टार्ट की, तो बताइएगा आपका स्टार्टअप कैसा रहा उस कॉलेज से। हाँ, मैं जो वहाँ पे सियालकोट में ही स्टडी कर रहा था पॉलीटेक्निकल से, तो वहीं से मेरा जूनियर वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन हुई। जूनियर चैम्पियनशिप में मैं आया और वहाँ से एक जूनियर टीम बननी थी जो वर्ल्ड कप के लिए जानी थी, वहाँ से मैं जूनियर टीम में सिलेक्ट हुआ। ठीक, सबसे पहले। उसके बाद मैं फिर सीनियर टीम में, साथ ही सीनियर और जूनियर का कैंप लगा, उसमें मैं कैंप में शामिल हो गया। वो ट्रायल के बाद मुझे सीनियर टीम में चांस मिल गया, इस तरह फिर वो जी वो कैंप जो कराची में लगा था, कराची में 81 में। जी 81। अच्छा, उसके बाद कराची से जो आपने कैंप में ट्रेनिंग की, उसके बाद आपका आगे सफ़र आगे कैसा रहा? आगे फिर मैं, क्योंकि चला गया टेस्ट सीरीज़ हमारी वर्ल्ड कप 82 से पहले, हमारी एक टेस्ट सीरीज़ हुई थी इंडिया के साथ। ठीक, जो 4 मैच इंडिया में थे और 4 मैच ही पाकिस्तान में थे। ठीक है, उसमें हमें खेलने का मौका मिला। वो टेस्ट सीरीज़ के बाद जब टीम अनाउंस हुई वर्ल्ड कप के लिए, तो मैं उसमें भी शामिल हो गया। तो इस तरह मेरा कैरियर का आगाज़, फिर मैं 1988 तक मैं पाकिस्तान की टीम की तरफ। अच्छा, 82 में जो बॉम्बे कप हुआ था वो भी आपने जीता, और 83 में जो है वो एशियन गेम्स आप गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे, तो आपका उधर एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आपको गोल्ड मेडल मिला एशियन गेम्स में? ज़ाहिर है वो एक लम्हा गोल्डन टाइम होता है जब आप किसी भी कंट्री में जाते हैं और वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, और ये बहुत बड़ा ऑनर है कि पाकिस्तान ओलंपिक चैम्पियन रहा, पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन रहा, एशियन चैम्पियन रहा, तो ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात थी कि हम पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आए। अच्छा, एज अ हॉकी प्लेयर आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा या मेमोरी जो आपको हमेशा याद रहती हो और वो याद आती हो? हाँ, वो ये था कि हम, क्योंकि मेरा जो फाइनल मैच था हमारा ओलंपिक गेम लॉस एंजल्स में जो 84 में हुआ था, उसमें जब हम फाइनल जीते, तो ये वो मेरी ज़िंदगी का एक यादगार वक्त था कि हम, क्योंकि हम 16 साल बाद पाकिस्तान गोल्ड मेडल हुआ था, और खुशकिस्मती से मैं भी उस टीम में शामिल था। अच्छा, बतौर हॉकी प्लेयर कोई ऐसा रिग्रेट आपके अंदर रहा हो कि काश ये चीज़ मैं हॉकी खेलते हुए हासिल कर लेता, कोई ऐसी ट्रॉफी, कोई ऐसा मैच जो आप? नहीं, वो अल्लाह का शुक्र है, हम जिधर भी गए, जहाँ भी गए, जितने टूर्नामेंट में गए, इससे बड़ा टूर्नामेंट होता नहीं है, ओलंपिक गेम, वर्ल्ड कप, एशियन गेम, हम सब में गए और पार्टिसिपेट किया और गोल्ड मेडल हुए। ठीक, मतलब आपको कोई ऐसा लम्हा नज़र नहीं आता नहीं, कि जिसमें आपको लगता हो कि काश ये चीज़? इससे बड़ा दुनिया में कोई इवेंट ही नहीं है। जी जी, तो आपका जो सबसे बड़ा एजाज़ वो गोल्ड मेडलिस्ट का जो आपको उसमें मिला, क्या उसको कहते हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा एजाज़? सबसे बड़ा हॉकी में है ही नहीं है जी कोई बड़ा।